नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का रेल है तो देश है की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में एक काफी अच्छी जानकारी आप सभी लोगों के लिए लेकर क्या है, आपको बताते चलें कि विंध्य क्षेत्र के लिए यहां पर काफी अच्छी खबर होने वाली है। जी, यहां पर विंध्य क्षेत्र से जुड़ी हुई एक नई ट्रेन की यहाँ पर मांग उठाई गई थी और उसके लिए यहाँ पर रेलवे बोर्ड में प्रस्ताव भी भेजने की पूरी तैयारी बना ली गई है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्वालियर चंबल रेल फैन संगठन द्वारा दोस्तों एक नया जो प्रयास है वो यहाँ पर शुरू किया गया है, जो कि रीवा से लेकर के हरिद्वार के मध्य में चलाई जाने वाली एक नई और एक सामान्य गाड़ी, जो कि सप्ताह में यहाँ पर त्रिसाप्ताहिक होने वाली है या बाई वीकली होने वाली है। प्रयास तो ऐसे रहेंगे कि यह सातों दिन चलाई जाए। अब सबसे पहली बात तो आप सभी लोगों के लिए ये है कि यहाँ पर कौन सा रूट होने वाला है, क्या रहने वाले हैं स्टेशन और यहाँ पर अतिरिक्त क्या समय सारणी रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। सबसे पहले आपको हम बताते चलें कि रीवा से लेकर के सीधा यहाँ पर हरिद्वार और आगे ऋषिकेश तक इस नई ट्रेन की मुहिम चालू हुई है। ग्वालियर वासियों को भी ये ट्रेन चाहिए, उनके लिए भी हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए यहाँ पर ज़्यादा ट्रेनें उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ पर ट्रेन की जो टिकट है वो यहाँ पर नहीं मिलती आसानी से। और रीवा वालों के लिए तो दिल्ली के लिए ही कोई सीधी ट्रेन झांसी के रास्ते नहीं है, और इसी के साथ में ग्वालियर आगरा और हरिद्वार की ट्रेन भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो आपको बताते चलें कि इसको जो है यहाँ पर रीवा की आंचल की जो विंध्य क्षेत्र की जो जनता है वो भी इस प्रकार की ट्रेन चाहती थी और ग्वालियर चंबल आंचल को भी इसकी काफी ज्यादा जरूरत है। तो उसको देखते हुए यहाँ पर ग्वालियर चंबल रेलफैन संगठन द्वारा एक प्रस्ताव जो है यहाँ पर तैयार किया गया है, जिसको कि रेलवे बोर्ड में भेजने की तैयारी बना ली गई है और इसको जो है रीवा से ओवरनाइट चलाया जाएगा। जी हाँ, अब आप इसकी समय सारणी थोड़ा सा सुन लीजिए। यहाँ पर जो प्रस्ताव में चीजें दी जाने लगी हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको जो है रीवा से शाम के 7 या 8 बजे निकाला जाएगा और सुबह तक ये गाड़ी जो है यहाँ पर ग्वालियर आ जाएगी। अब ग्वालियर आने तक का जो रूट है वो रहने वाला है रीवा से सतना, कटनी, कटनी से सागर, बीना, बीना से झांसी और फिर ग्वालियर। इसके बाद में सुबह ग्वालियर आने के बाद ये जो गाड़ी है ये आगरा कैंट, मथुरा और हजरत निजामुद्दीन के रास्ते गाजियाबाद और गाजियाबाद के रास्ते मेरठ, मेरठ के रास्ते ये जो गाड़ी है वो सीधा बढ़ जाएगी हरिद्वार के लिए और फिर हरिद्वार से ऋषिकेश तक का जो संपर्क है यहाँ पर स्थापित करने वाली है। तो जाहिर तौर पर भविष्य में जो चार धाम यात्रा होने वाली है उसके लिए ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी मानी जाएगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये दोनों क्षेत्रों के लिए, ये दोनों संभाग के लिए ये काफ़ी ज़्यादा विशेष गाड़ी होने वाली है। यदि आपको जो है इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा जरूर। फिलहाल के लिए इतना ही, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।